हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वीशी एंड अंश व्लॉग्स। और काफी टाइम के बाद आज व्लॉग आ रहा है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं कहीं बाहर। ये तो सैटरडे है और आज है मेरा बर्थडे। ये पति, हैप्पी बर्थडे टू मी बोलो। ओके, तो मैं हो चुकी हूँ बर्थडे रेडी और यह मेरा आज का आउटफिट। बहुत ही प्यारा सा आउटफिट है जो मेरे को मेरी दी ने गिफ्ट किया है एंड बहुत ही सुंदर फैब्रिक है इसका। कंफर्टेबल फ्लोई है बॉडी में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको ट्राई के लिए पहना था मैंने, बट मुझे लगा कि मैं इसको पहन के निकल ही लेती हूँ। आज वैसे भी बहुत गर्मी है बैंगलोर में एंड काफ़ी समर वाइब्स दे रहा है ये आउटफिट फॉर श्योर। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं उसका इंट्रो मैं पति से ले लेते हैं, जो कि फिलहाल बहुत बिजी है ड्राइव करने में। क्योंकि आपको पता है कि बैंगलोर की ट्रैफिक लाइक इतने मीम बनते हैं कि एवरीवन नोज। कहाँ जा रहे हैं अभी? फार्म हाउस है जी, फार्म हाउस टाइप की जगह है बैनरघट्टा के पास, यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर। तो हमारा खुद ये पहली बार है सिट्रस ट्रेल में, जो कि एक आई थिंक बहुत ही नेचर ओरिएंटेड है एंड काफी ज्यादा लोगों का रिव्यू देख के सुन के हम जा रहे हैं वहाँ पे। ओके, 31 किलोमीटर दिखा रहा है एंड अभी लगेंगे हम एक घंटे से ऊपर। ये हमारे मैप का रास्ता और ये हम कुछ मौसम का हाल देख लीजिए। ये पूरा मेट्रो बनने वाला है बिलंदूर के पास, तो काफी ज्यादा कंजेशन है होता है इस रोड पे। चलते हैं, मिलते हैं आगे। टॉनिक सिटी का पुल काफी बड़ा पुल दिख रहा है और यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एंटर और आगे आ रहा है टोल। चलिए, ट्रिपल IIT बैंगलोर तो आधा डिस्टेंस कवर हो चुका है, बचे हैं 20 किलोमीटर और पहुंचते हैं। ये इसका गेट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंफोसिस। ऑलराइट, काफी ज्यादा ग्रीनरी है इस एरिया में, नो डाउट। काफी पेड़ और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है रोड देखते ही। तो जंगल दिखने चालू हो चुके हैं। यहीं से हमें 16 किलोमीटर और बाकी है और ऐसा कुछ रास्ता दिख रहा है, आप देखिए। हमने बनरघट्टा रोड में एंट्री मार ली है, तो बनरघट्टा वाइल्ड एनिमल्स दिखने का भी स्कोप है या नहीं वो पता नहीं, बट बोर्ड लगे हुए हैं, डू नॉट टीज वाइल्ड एनिमल्स। बोर्ड देखिए, लेपर्ड का साइन था, तो मतलब यहाँ पे लेपर्ड हाथी आते ही होंगे, तभी उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं। तो काफी प्राइवेट गाड़ियां तो जा रही हैं। हाथी के गोबर दिख जाएगी। काफी मस्त रोड है, आप देखिए मौसम भी साथ दे रहा है कहीं ना कहीं। बादल छाए हुए हैं, बारिश तो नहीं है फिलहाल और हर जगह लिखा है नो एंट्री, नो एंट्री, डू नॉट टीज एनिमल्स। मतलब यहाँ पे रात के टाइम वो लोग फ्रीली घूमते होंगे, बिकॉज हम अभी है बनरघट्टा जंगल रोड में। बनरघट्टा भी हम गए थे लास्ट ईयर, जहाँ हमने की थी जंगल सफारी एंड काफी मजा आया था। उस वक्त मम्मी दी सब आए हुए थे, तो काफी एंजॉय किया था हमने। तो उसके बाद लिटरली एक साल के बाद मैं इस रोड पे आ रही हूँ एंड आपको मैं दिखाती हूँ। मुझे हाथी की फोटो दिख रही है, हाथी नहीं दिखा। देखिए हाथी की फोटोज, मतलब की फॉर श्योर यहाँ पे हाथी, शेर, लेपर्ड घूमते ही होंगे। जंगलों के अंदर कोई ना कोई जरूर बैठा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और जंगल तो काफी बड़ा है, इस जंगल के पीछे बीच ये बनाया हुआ है 6 किलोमीटर। और हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसा है। फिलहाल रास्ता ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देखिए स्लोपी रास्ता है, काफी घूम घूम के जा रहे हैं, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं आ सकते इस रोड पे। यहाँ पे और भी जानवरों के पोस्टर नजर आ रही है। ये देखिए व्यू, बहुत ही शानदार व्यू की तरफ आ चुके हैं हम लोग। हिरन का पोस्टर, हाथी का पोस्टर और ये बहुत ही अमेजिंग रोड। आओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बांदीपुर आ चुकी हूँ। आपने बांदीपुर वाला का ब्लॉग देखा होगा मैसूर के वक्त, तो आपको दिखा होगा वो कितना सुंदर था। उस वक्त हमारे साथ ऐसा हो गया कि इतनी बारिश हो रही थी। और यहाँ पर धीरे चलना, यहाँ पे आप देखिए शेर की फोटो भी लगी हुई है। मतलब ये नाइट में शेर आता होगा क्या? ओह माय गॉड, मतलब ये रास्ता तो है डेंजरस। मजा आ रहा है भाई, कैसा लग रहा है आप ड्राइव करके? मौसम बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहे हैं अभी। और ये काफी अच्छा लग रहा है, नया बनाया रोड के। तो 300 मीटर पे हम पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और मुझे बोर्ड भी दिख चुका है अगर आपको दिख रहा है। तो सिट्रस ट्रेल फार्म एंड किचन में हम एंट्री मार रहे हैं और हमने बुकिंग तो की है, देखते हैं अभी क्या होता है। चलते हैं, पहुंच चुके हैं, अभी अंदर एंट्री करते हैं। अभी वहां से है, चलिए तो यहाँ से एंट्री है, सीधा चलते हैं। तो आई थिंक ये है एंट्री, चलिए अंदर चलते हैं।
काफी सुंदर लग रहा है। ओके वाह, काफी ज्यादा ग्रीनरी और बहुत सारे पेड़, बहुत सारे। हमने एंट्री भी कर ली है, अभी अंदर जाके देखते हैं। कॉटेज ओके, आउटसाइड फूड एंड ड्रिंक्स नॉट अलाउड। शायद सीधे ही जाना है, रेस्टोरेंट तो आगे दिख रहा है। ओके, काफी अच्छा हरियाली, शहर से दूर मजा आ रहा है। आई होप खाना अच्छा हो, जैसे बना रहे थे। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने अभी ऑर्डर किया है ये मांचाओ सूप एंड चिकन स्टार्टर और साथ में ये मिंट, तो उसको ट्राई करके बताते हैं कैसा है। और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है ऐसा, जहाँ बैठे हैं बहुत ही सही लग रहा है। व्यू का मज़ा लेके आप अपने खाने को इंजॉय कर सकते हो। हल्की हल्की प्यारी सी धूप आ रही है और ये सूप ट्राई कर रहे हैं मैम। अच्छा सूप है, भूख भी लगी हुई है इसलिए। कैसा लगा आपको सूप? और चिकन स्टार्टर ट्राई करते हैं अभी, साथ ही साथ रिव्यू भी दे रही हूँ मैं आपको, ब्लॉग के साथ साथ रिव्यू भी मिल रहा है। भूख में ना मेरे को लगता है खाना टेस्टी करता है ना। व्हाट डू यू थिंक, आप भी बताइए भूख में खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है या नहीं? हमने किया ये प्रॉन स्टार्टर और ये बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, अभी ट्राई कर देखते हैं कैसा है। ट्राई करता हूँ प्रॉन्स कैसा है। प्रॉन्स ख़राब थोड़ी होते हैं आप तक। आप खाओगे? मैंने जीरा राइस और ये मशरूम मसाला और दाल मखनी ऑर्डर किया, तो ये कुछ ऑर्डर कर लिया हमने आज क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी, लंच में बहुत लेट हो गया था। तो अभी हम जीरा राइस, मखनी और मशरूम मसाला टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। देख के तो काफ़ी हम लग रहा है, मैंने आपके लिए काफ़ी दिया है। और ये मिंट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था इस गर्मी में। और भाई खाना वाना खा लिया? बहुत तगड़ा खा लिया। अब थोड़ा घूमने का सोच रहे हैं। तो सीन है आपका कि गांव में खेत वेत नहीं होते, गांव में आपके खेतों के बीच में, आप जंगल के बीच में जो ऐसे एक हट सा बना दो, ये मतलब लकड़ी वकड़ी का, और वहाँ खाना रख दो, बस वही वाला सेटअप है भाई। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका गांव यहाँ है बेंगलोर में, हमारा नहीं है। अगली बार मुझे यही गांव दीजिए। बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं। खाना अच्छा है बट ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही फाड़ू है, बस इसी व्यू का ही मजा है। लोग आते होंगे दूर से, अब इतनी दूर आए हैं तो खा पी के तो जाएंगे, इनको भी पता है कि 40 किलोमीटर में तो जो खा के आया वो भी खा के जाएगा, हम तो बिना खाए आए थे तो और खा के जाएंगे, तो वही वाला सीन है। बाकी बेंगलोर में बहुत गर्मी हो रखी है तो कृपया आप मेरे इस पसीनों को ना देखें। बाकी बताते हैं क्या चल, सब बढ़िया, खाओ पियो, जिसको जो पीना है वो पियो, जिसको जो खाना है वो खाओ, या मोजीटो पियो, ये वाला मिंट मोजीटो पियो। ओके बाय। ओके तो हम जा रहे हैं खाना खा के पॉन्ड देखने के लिए, काफी बड़ा है ये फार्म हाउस। खाना खा लिया है उधर पॉन्ड के पास करेंगे और धो के आ जाएंगे। अगर आपने बादल गरजने की आवाज़ सुनी है तो आप थोड़ी देर में ज़रूर सुनेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल गरज रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसमान भी काला हो गया है, मेरे को लग रहा है बारिश ना हो जाए ज़ोर से। हम तो जा रहे हैं आगे की तरफ, बट जो आई जस्ट होप कि हम कहीं छुप पाए हैं। आवाज़ सुनी आपने? कुछ आवाज़ ओ यार भाई साहब, बहुत ही भयंकर बारिश होने वाला अगर होगा तो। आसमान भी बहुत काला हो चुका है, ये देखिए, लेट्स सी। और ये काफ़ी सुनसान सा जगह है, कोई नहीं दिख रहा कहाँ है पॉन्ड। हमारा रास्ता आगे का और अब जाके कुछ लोग दिखना शुरू हो गए, काला आसमान, बस रास्ते में बारिश हो, रिटर्न टाइम पे हो। हाँ जी, उनके पास पहुँच चुके हैं धीरे धीरे और यही है पॉन्ड। पॉन्ड के नाम पे धक्का। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई बड़ा सा वो क्या नदी होती, ऐसे होता है लेकिन थोड़ा छोटा ही तो है, गाँव में छोटा सा पॉन्ड है। और ये देखिए आसपास का नज़ारा, पूरा जंगल। धूप में थोड़ा शायद मज़ा ना आए, लोग नेचर एंजॉय ना कर पाए, लेकिन इस टाइम पे तो बहुत ही ब्रीजी अच्छा फील लग रहा है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, बारिश हो रही है बहुत। नहीं आ रहा
पानी आ रहा है इस तरफ पानी तो बारिश थोड़ी कम हुई है तो हम निकल चुके हैं वापस अपने वॉक के लिए और ये पॉन के इन एंड अराउंड का नज़ारा है। ये आप देखिए पूरी ग्रीनरी और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बारिश के बाद, मौसम भी बदल चुका है एकदम से। और पति के एक बेस्ट फ्रेंड को स्पॉट किया है देखिए। और ये वी बत्तख से डरते हुए और बत्तख वी से डरते हुए, पर ये नहीं पता कौन किससे ज्यादा डर रहा है। भाग रहे हैं मेरे को देख के। वही तो, और तुम भी तो डर ही रही हो। डर रही हूँ कि उड़ के उसके मुझे न लग जाए उसकी पंख वंख। है बत्तख। एक और चीज की हमने खोज की है, ये देखिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रखा है एंड काफी अच्छी हवा चल रही है। मैंने आपको पूरा सिट्रस ट्रेल दिखा दिया है, आपने जो बताया आपको कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए वीकेंड पे, मौसम देख के आइए। और मुझे लगता है जैसे हम निकले हैं दोपहर के बाद ताकि आप लंच करके ऐसे वॉक करके नेचर को एंजॉय कर सके, आप उस टाइम पे आइए या तो अर्ली मॉर्निंग आइए। रात के टाइम बहुत ही सुंदर लग रहा है, लाइट्स वाइट्स ऑन हो गई है। ये जहाँ हमने लंच किया था अभी शाम को लाइट्स ऑन कर दी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी इन एंड अराउंड तो हम सिट्रस ट्रेल से निकल चुके हैं, एक्सिट कर लिए हमने, बढ़िया रहा। और अभी आप देखिए बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो हमने थोड़ा सोचा जल्दी निकल लेते हैं, मतलब अभी बज रहे हैं 7 ताकि लेट ना हो जाए हमें बैंगलोर पहुँचते, थोड़ा आउटस्कर्ट में पड़ता है तो इसलिए। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, आपको कैसा लगा ये जगह आप मुझे बताइए। तो आपको आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ स्टे का भी ऑप्शन था फार्म हाउस, लेकिन उसके लिए थोड़ी एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, वो हमने नहीं किया, हमने सिर्फ डे आउट कर रखा था। अच्छा है, कुछ डे एंट्री टिकट नहीं है यहाँ पे आपको, आप जाइए खाना खाइए एक कीजिए घूमिए और आ जाइए, तो एक दिन के लिए तो बढ़िया ही है। तो आज का दिन अच्छा रहा क्योंकि हम यहाँ कभी आए नहीं थे, पहली बार था। और हम निकल रहे घर की तरफ और हमें दिखा रहे मैप में 1.5 घंटे। अभी सुंदर रास्ता है जैसा कि आपने देखा था जाते वक्त। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ का ब्लॉग अब खत्म करते हैं, मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।